नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, मीन्स ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ब्रेन के, उनकी बात कर रहे हैं. वैसे तो अभी हमने ब्रेन के पार्ट्स डिस्कस किए, डेट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेरियोला. ठीक है, वो ब्रेन के पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स हैं. ये जो है ये रीजन्स हैं. जो हमने तीन पार्ट्स पढ़े, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडियोला, वो भी इन्हीं पार्ट्स में आते हैं. ठीक है, मीन्स ब्रेन के तीन हिस्से हैं. ठीक है, थ्री प्राइमरी ऑर्गन मीन्स एक फोर ब्रेन है आगे वाला, एक बीच वाला मिड ब्रेन है, और एक हाइंड जो बिल्कुल पीछे वाला ब्रेन है. ठीक है, फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, एंड जो बिल्कुल पीछे है दैट इज द हाइंड ब्रेन. इस तरह से तीन पार्टीशंस किए गए हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की. फोर ब्रेन होता है आगे वाला, मिड मीन्स बीच वाला, हाइंड मीन्स पीछे वाला. ओके, सो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एज आई हैव टोल्ड यू कि सेरिब्रम, ठीक है, दो हिस्से होते हैं ना, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं हमारे पास. तो सबसे आगे से शुरू हो जाता है सेरिब्रम. तो ऑब्वियसली फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट आएगा? सेरिब्रम. ठीक है, नेक्स्ट सेरिब्रम आएगा और फोर ब्रेन मीन्स ये जो आगे वाला हिस्सा है, और आएगा डाइनसेफेलॉन जो आगे आगे वाले इतने से पोर्शन तक जो यहां तक आ जाएगा ना, इतना सा एरिया, डेट इज फोर ब्रेन. ठीक है, सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन आएंगे इसमें. सेरिब्रम, अब इनके फंक्शंस हमें पता है. सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी, स्पीच, इंटेलिजेंस, बॉडी बैलेंस, ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. विजन, ओके, वी हैव डिस्कस्ड. डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन जो है वो दो पार्ट्स, डाइनसेफेलॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस. थैलेमस क्या करता है? देखिए, थैलेमस जितने भी पेन और प्रेशर के सिग्नल होते हैं उनको लेकर जाता है इस सेरिब्रम तक. थैलेमस पेन और प्रेशर के सिग्नल को सेरिब्रम तक रिले करता है, लेकर जाता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोथैलेमस इज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, और यू कैन से इट इज अ थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ओके, कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है. सो हाइपोथैलेमस इज अ टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन एज वी हैव स्टडीड. ओके, नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? मिड ब्रेन में कुछ रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स मीन्स जो आप एक्शन देने वाले हो एकदम से, दैट इज द रिफ्लेक्स, कि अब मुझे ये करना चाहिए. जो आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करती है, दैट इज द रिफ्लेक्स. ठीक है, सो आईज के और जो ईयर्स के रिफ्लेक्स हैं, जैसे हमारी आंखें झपकती रहती हैं, सो दिस इज अ रिफ्लेक्स. ठीक है, अब जैसे हमारी आंखें देखती हैं तो देखना इज अ रिफ्लेक्स. कानों का रिफ्लेक्स क्या होगा? सुनना, वाइब्रेशन फील करना, वो कानों का रिफ्लेक्स है. ठीक है, सो वो सारा काम किसका है? मिड ब्रेन का है. नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन की फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज सेरिबेलम, सेकंड इज पोन्स, एंड थर्ड इज मेड्यूला. सो सेरिबेलम के फंक्शन तो हम देख चुके हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटल्स ब्रेन. ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जैसे सेरिबेलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखता है हमारा. ठीक है, और कुछ अदर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, लेकिन सेरिबेलम, सपोज कीजिए, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि बॉडी को बहुत बैलेंस में रख रहा है. अगर प्रॉपर बैलेंस का रोल है तो वो सेरिबेलम का है. ठीक है, वैसे तो बैलेंसिंग सेरिब्रम भी करता है, लेकिन स्टिल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज बेस्ट इन केस ऑफ द सेरिबेलम, और मस्कुलर एक्टिविटीज भी यही करता है. ठीक है, सो देखिए सेरिबेलम में जैसे कोई व्यक्ति होता है वो शराब पी लेता है ना, तो शराब जब पीते हैं और हमारी सेंसेस काम नहीं करती हैं ढंग से, ओके, देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेस इन अ प्रॉपर वे यू कैन से, ओके, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही लॉस हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, बंदा बौखला कर चलता है, उसको बोलने का पता नहीं लगता है, तो उसके सारे फंक्शन हैम्पर होते हैं, स्पीच नहीं निकलती है ढंग से. पूरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो आप ऑब्जर्व करते हैं उस बंदे में, कि वो चल नहीं पाता ढंग से. हो सकता है पी के बंदा थोड़ा ढंग से बोल भी ले, लेकिन चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्स, बॉडी बैलेंस ही खराब होता है पी के. सो सेरिबेलम, ठीक है, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. सो उसमें सेरिबेलम का फंक्शन हैम्पर होता है इन अल्कोहलिक पर्सन. पोन्स एंड मेड्यूला. ठीक है, पोन्स जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पोन्स होता कहाँ पर है? ठीक मेड्यूला के ऊपर. ये तीनों पार्ट, जैसे सबसे ऊपर सेरिबेलम आ जाएगा, उसके नीचे पोन्स, और उसके भी नीचे मेड्यूला. ठीक है, तो पोन्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है. यूजुअली ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है. ठीक है, मेड्यूला, मेड्यूला इज एज वी ऑल नो कि बहुत सारी एक्टिविटीज का सेंटर है. इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, एंड मेनली ये इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन को परफॉर्म करता है. एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी सेंटर, इट इज अ वॉमिटिंग सेंटर. ओके, तो बहुत सारे कामों में मेड्यूला जो है वो बहुत सारे फंक्शन करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन. ओके.